हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकांक्षा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे किचन पे। आज मैं आपको बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस स्वीट बताने वाली हूं, वो है बेसन की बर्फी। इसको बनाना बहुत इजी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आधा कप चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया था, और अब मैं इसमें 4-5 इलायची भी डाल रही हूँ, ताकि मुझे इलायची अलग से ना कूटनी पड़े। हम चीनी और इलायची को एक साथ मिक्सी में पीसेंगे। ये रेसिपी बहुत हेल्दी है, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं हुआ है, और बेसन की बर्फी को आप 1 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। अब जैसे फेस्टिव सीज़न आ रहा है, ईद आ रही है, और रक्षाबंधन का इतना अच्छा त्यौहार आ रहा है, उस पे आप ये बर्फी बना के सबको खिला सकते हैं और अपनी वाहवाही लूट सकते हैं। तो देखिए, मैंने चीनी और जो मैंने इलायची डाली थी, इसका मैंने इस तरीके से पाउडर बना दिया है। अब इसको मैं एक बॉल पर निकाल लूँगी। अब चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की ओर। मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, उस पर मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाल दिए हैं। गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है और घी हमारा मेल्ट हो गया है। घी हमारा जैसे ही मेल्ट होगा, आप कोई भी बेकिंग टिन ले लीजिए, मैंने गोल थाली रखी है, और इसको ब्रश की हेल्प से मैं इस पर घी लगा के इसको मैं ग्रीस करूँगी, ताकि जब हम बर्फी का बैटर इस पर डालें तो वो अच्छे से इस पर कोट हो जाए और वो आराम से निकल भी जाए। अब इसको मैं साइड कर लूँगी। अब मैंने एक बड़ा जो बॉल है, इस पे मैंने बेसन डाल दिया, यानी चिकपी फ्लावर। इसको मैं अब कढ़ाई में डालूँगी, और अब गैस का फ्लेम एकदम लो कर लीजिए, और मैं 4 स्पून बेसन इस पे और ऐड करूँगी। ये मैंने 4 स्पून बेसन और ऐड किया है, 1 बड़ा कप और 4 स्पून और बेसन। अब इसको आप अच्छे से लो फ्लेम पे हिलाते हुए पकाइए। जैसे ही आप बेसन को घी में डालेंगे, वो एकदम से येलो कलर का हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कीजिए। मुझे थोड़ा सा घी इस पे कम लग रहा है, तो मैं इस पे 1 चम्मच घी और डालूंगी। तो टोटल मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच घी डाले हैं, 2 मैंने पहले डाले हैं और 1 मैंने अभी डाला है। गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई ना करिए। आप इसे लो मीडियम फ्लेम पे भी कुक कर सकते हैं, लेकिन हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी आप इसको रोस्ट ना करें। अब इसको कंटिन्यूस आप स्टिर करते रहिए, और जो लम्स बीच में पड़े इनको आप प्रेस करते रहिए, और इसको चलाते हुए पकाइए। बिल्कुल ये थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन ये 12 मिनट में बन के अच्छे से रेडी हो जाती है। आप देख सकते हैं सारा घी जो है बेसन ने एब्जॉर्व कर लिया अच्छे से, और ये थोड़ा सा पेल येलो कलर का होने लग गया है। इसको अभी भी आप चलाते रहिए, एकदम पलट पलट के चलाइए अच्छे से। ये बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा पेल येलो से भी वाइटिश में आ रहा है, और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बबल्स उठने लग गए हैं, यानी अच्छे ये अंदर से अच्छे से कुक हो रहा है। और बेसन अंदर से कुक होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपकी बर्फी अच्छी नहीं बनेगी। इसको प्रेस करते हुए हिलाते रहिए, बिल्कुल आप नहीं छोड़ेंगे बीच में, ना बेसन जो है जल जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारा बेसन जो है पिंक कलर का होने लग गया है, हल्का ब्राउन कलर का होने लग गया है, और इसमें बहुत अच्छा एरोमा आने लग गया है। अब इसको 1-2 मिनट हम और पकाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा इसका ब्राउन कलर चाहिए। हिलाते रहिए, बिल्कुल मत छोड़िए, वरना ये कढ़ाई के तले पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए अभी कितना सुंदर कलर आ गया ब्राउन कलर का, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अभी उसी कंसिस्टेंसी में पहुंच गया जैसा कि मुझे बर्फी के लिए चाहिए है। ये देखिए अब इस पॉइंट ऑफ व्यू टाइम पे मैं जो मैंने पीसी चीनी और जो मैंने इलायची पाउडर दिया था, वो मैं इसमें डाल दूंगी। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। बस अब हम इसे 1 मिनट और पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि जो बेसन है वो सारी चीनी और इलायची का फ्लेवर एब्जॉर्व कर ले। बस अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसको मिक्स कर देंगे। अब जो मैंने ग्रीस की भी थाली ली थी, इस पे हम ये सारा बैटर डाल देंगे। हमें ये थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, वरना ये जो बेसन है ठंडा होने लगेगा और जमने लगेगा, क्योंकि जमने के बाद बर्फी थोड़ी टाइट हो जाती है। अब इसको मैं जो मेरा ये स्पैटुला है, इससे मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। अगर अगर आपके पास एल्युमिनियम का बेकिंग टिन है या केक बेकिंग टिन है, उस पर भी आप इसको डाल सकते हैं। कि देखिए घी इस पर अच्छी क्वांटिटी का पड़ा हुआ है, इसलिए आप देखिए स्पून से आप हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये ऊपर से स्मूथ होता चले जाएगा।
किनारे को ऐसे प्रेस कर लीजिए। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मैंने कुछ पिस्ता और बादाम को इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया था, इससे ये दिखने में और सुंदर हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप जितना अच्छा सजाएंगे दिखने में भी सुंदर लगेगा, और खाने में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस है ही। इसको भी आप एक बार अच्छे से प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ये निकले ना अच्छे से, बेसन इसको पकड़ ले। मैंने प्रेस कर लिया इसे, ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, दिखने में देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये बर्फ़ी जो है आराम से टाइट हो जाए और हमें काटने में इजी हो। अब 1 घंटा हो चुका है, मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाल दिया है। आप आइए इसको हम काटें। आप इसको अपने मनचाहे शेप में काट सकते हैं, मैं इसको स्क्वायर फॉर्म पे काट रही हूँ। बहुत इजीली कट जा रही है बर्फ़ी, देखिए बच्चों को तो बर्फ़ी बहुत पसंद आती है, बड़ों को भी पसंद आती है, और सबसे अच्छी बात है घर पे बनी है, फ्रेश है, कुछ प्रिजर्वेटिव नहीं है, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इस पर। बहुत फटाफट, अगर आपका कभी कुछ स्वीट खाने का मन करा तभी भी आप इस बर्फ़ी को ईजिली बना सकते हैं। ये देखिए मैंने काट लिया है, अब मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। वाह, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके मुंह में भी बहुत पानी आ रहा होगा। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आप आइए इसको एक प्लेट में निकाल लें। तो मेरी यमी हेल्दी डिलीशियस न्यूट्रिशियस बेसन की बर्फी बन के रेडी हो चुकी है, बिल्कुल बाजार जैसी बनी हुई है, और ये खाने में उतनी ही टेस्टी है। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर बना के देखें। इसे बनाने में बस 12 मिनट लगते हैं, और फ्रिज में आप रखेंगे 1 घंटा तो ये अच्छे से बन के बाहर आ जाएगी। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और कमेंट में बताएं।